अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जैसा कि लाहौर का और बाकी काफ़ी शहरों का मौसम बहुत ही अच्छा है, रात से बारिश हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना फ्रेंच फ्राइज़ बनाए जाएँ। तो आज आपके साथ शेयर करते हैं स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज़। यहाँ पर मैंने आलूओं को ये स्ट्रिप शेप में कटिंग करके पानी में डाल दिया ताकि काले नहीं हों। तो अब इसको मैंने पानी को स्टेन करके इसमें काली मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डालेंगे पिसी हुई, थोड़े से स्पाइसी सा इसको लुक देंगे हम। तो यहाँ पे पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे। तो ये सारे जो स्पाइसेस हैं मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें मैंने मैदा और बेसन लिया था हाफ़ ऑफ क्वांटिटी में, तकरीबन 3 टेबल स्पून होगा, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो आपने इसको ड्राई ही रखना है, इसमें पानी ऐड नहीं करना। इस तरीके से बहुत ही क्रिस्पी बनने वाली है। तो ये देखिए, नमक आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है तो उससे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते, हमें क्रिस्पी चाहिए। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो बिल्कुल प्री हीट हो चुका है। इसमें अब हम ये फ्रेंच फ्राइज़ अपने डाल दिए हैं और इसको अच्छा सा हम क्रिस्पी कर लेंगे। जैसे ही क्रिस्पी होंगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से वो इतने क्रिस्पी बनते हैं, करारे बनते हैं। तो आप लोग भी जब इस तरीके का मौसम हो तो आप लोगों भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ये थोड़े से हमारे हो चुके हैं, देखें इसकी कलर लुक आप देख सकते हैं। ये देखें बाकी के भी इसी तरीके से हम जो है फ्राई करके, ये देखें एक मैं टेस्ट करने वाली हूँ। ये देखिए जी, हमारे फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। तो अब इसको थोड़ा सा हम केचप के साथ गार्निश करेंगे। बहुत ही सिंपल सी, आसान सी, झटपट बनने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह नई वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।